बोलो 1000 श्री महावीर भगवान की जय। 4 जगदीश 108 आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु 108 आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। वात्सल वारिधि 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलो श्री जैन धर्म की जय। बंधुओं, अभी माता जी ने बताया 4 बातें ले गया, 4 के साथ 3 हमारी बातें भी जोड़ लेना, 7 हो जाएगी। पहली बात यह है, जब तुम आए जगत में, जगत हंस तुम रोए। जब तुम आए जगत में, जगत हंस तुम रोए। अब करनी ऐसी करो जो जगत रोए और तुम हंस और जगत रोए। समझिए आप, अपन जन्मे थे तब जन्म था, बच्चा क्या करता, रोता है। और दुनिया क्या करती है, हंसती है, बच्चा हुआ बच्चा हुआ बच्चा हुआ, हाथ ताली बजाती है, थाली बजाती है और खुश होती है। पर बच्चा वो जन्म वाला रो रहा है। पर अब करनी ऐसी करो कि जगत तो तुम हंसा तो जगत रोए। पापी मर जाता है, कोई कहता है पाप घटियो मर गयो अच्छो भी हो, और भला आदमी मरता है तो क्या, अरे बाबा बहुत बुरा बहुत बुरा, अच्छा आदमी चला गया। इसलिए ऐसी करनी ऐसी करो जिससे जगत तो रोए और तुम हंसते हंसते जाओ। तो ऐसी करनी करो तो क्या करना, अपने को 4 बातें से 3 बात जोड़नी है। पहली बात तो यह है, सम्यक से सुख की प्राप्ति होती है। सम्यक से क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से विश्व में ख्याति होती है। हमारा ज्ञान सम्यक होगा तो ज्ञान भी सम्यक होगा, उसमें विश्व में ख्याति होगी। और चारित्र से पूज्यता आती है। चारित्र नहीं है, आदमी संयम भी नहीं है, चारित्र नहीं है तो कोई वक्त नहीं है उसकी। तो चारित्र से पूज्यता आती है, और तीनों मिल जाए तो शिवत की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या करना, ये 3 बात मिला के हमें मोक्ष जाना है, शिवत की प्राप्ति करना है, तो तीनों को मिला लेना और तीनों की पालना करना है। दूसरी बात, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हर एक आदमी को जिंदगी में 3 फैक्ट्री लगाना जरूरी है। समझे आप कहोगे बासा फैक्ट्री कहाँ लगे, हमारे जगह नहीं है, हम जमीन हम बता देते हैं आपको, और फैक्ट्री कौन सी लगानी वो भी बता देते हैं, और पैसे की कमी है तो व्यवस्था भी कर देते हैं। अब क्या चाहिए फिर आपको, अब फैक्ट्री कौन सी लगाना है, एक तो आइस फैक्ट्री लगाना है, और एक शुगर फैक्ट्री लगाना है, एक लव फैक्ट्री लगाना है। क्या लगाना, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री और लव फैक्ट्री। अब जगह बता दूँ आपको कहाँ लगाना है, आइस फैक्ट्री तो लगाना दिमाग में, और शुगर फैक्ट्री लगाना जीवन में, और लव फैक्ट्री लगाना दिल में। समझे, आइस फैक्ट्री कहाँ लगाना, दिमाग में, और शुगर फैक्ट्री जीवन में, और लव फैक्ट्री दिल में। दिमाग में शुगर फैक्ट्री, दिमाग में अगर आइस फैक्ट्री लगाओगे दिमाग ठंडा रहेगा, तो सोच छोड़ने का क्या बात है माता जी ने, और मैं क्या बता रहा हूँ, तो आप साथ ले जा सकते हो। और शुगर फैक्ट्री जीवन में, मिठास में, बोलने में मिठास होना चाहिए। कहाँ बोलना, कैसा बोलना, क्या बोलना, कब बोलना, बीच में कभी बोलना नहीं, दो जने बात सुनना है। आज हर एक की आदत है, क्या बात कर रहा है सुनते हैं। मैंने कल भी बताया था कि वहाँ लिखेंगे हम, देखना मना है तो सब देखेंगे, और कुछ नहीं लिखा होगा सीधा चला जाएगा, कुछ बीच में क्या देखा रास्ते में वो हम ध्यान नहीं, भाई मैंने सीधा चलाया। इसलिए क्या है, शुगर फैक्ट्री लगाना जीवन में, और लेव फैक्ट्री लगाना दिल में। हर एक इंसान के साथ प्रेम और प्यार रखना चाहिए। हर एक कैसा बोलना, क्या बोलना, क्या बोलना, कैसे कम कब बोलना, तो ये 3 बात अगर आपने जोड़ ली, 4 बात के साथ 3 बात और रख ली, तो आपकी ज़िंदगी सुधर गई। मगर ये ज़िंदगी सुधरने के लिए क्या करना पड़ता है,
हम देव साथ गुरु की भक्ति तो करते हैं, मगर भक्ति करते हैं, भक्ति का फल क्या चाहते हैं? क्या बोला आपने? सोचा, भक्ति करते हैं, भक्ति क्यों करनी, क्यों करनी और कब करनी और किस लिए करनी? कहा है भैया बंधुओ, हमें भगवान की और गुरुओं की भक्ति क्यों करनी चाहिए? पहले मैं छोटा था, उदयपुर के अंदर रिवाज था, कोई छोर का आता, छोर लड़का आता, हर एक दुकान पे फोगट में रहता था, 12 महीना 2 साल तो फोगट, फिर 5 महीने की 5 रुपया महीने की तनख्वाह होती थी। तो मगर वो क्या इसलिए रहता था कि मैं काम सीख जाऊं तो मैं भी सेठ बन जाऊं। आज भी पढ़ता है लड़का, इसलिए पढ़ता है और 10वीं जाके या 12वीं जाकर आगे फंड होता है, भाई ये सीए पढ़ना है, डॉक्टर बनना है या वकील बनना है, क्या एमएलए करना है, क्या करना है, वो लाइन अलग बन जाती है। जैसा पढ़ता है वैसी नौकरी मिलती है। उसी प्रकार हमें भी जैसे गुरु की भक्ति करना है तो भक्ति करके भगवान बनना है हमको। क्या बनना? भक्ति के भक्त, भक्ति बना नहीं रहना, उम्र हो गई हमारी भक्त बनते बनते, मतलब भगवान बनने की हमारे में शक्ति है नहीं? हर एक आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। विष्णु लोग अन्य लोग कहते हैं भगवान एक ही होता है, वही बार बार अवतार लेते हैं, मगर हमारा जैन धर्म कहता है हर एक आदमी के अंदर, हर एक परमात्मा आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, हर एक आदमी परमात्मा बन सकता है। अब जैन धर्म में जन्म लिया, अपना पूर्ण का पुण्य था, उच्च कुल में तो जन्म ले लिया, मगर अब उसकी करनी ऐसी करें जैसे हम भी भक्त से भगवान बन जाएं। क्या करना है? हम भगवान से, हमने बार बार जन्म लिया और जन्म लेके कि भक्त बने रहे, तो भक्त कब तक बने रहोगे? भक्त से भगवान बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसलिए कहा है भैया कि अधर्म को करने के लिए और धर्म को प्रकाश फैलाने के लिए, अधर्म को छोड़ने के लिए और धर्म का प्रकाश फैलने के लिए, आत्मा को उन्नत बनाने के लिए हमें भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति करना चाहिए, मगर भक्ति करते करते भी भगवान बनने की भावना रखनी चाहिए। इसलिए क्या करना? किंतु जैन धर्म कहता भैया कथन पर विश्वास नहीं करता है, इन लोगों की जो करनी है वो उस पर विश्वास नहीं करता है, कहता है कि हम खुद भक्ति करते करते भगवान बन सकते हैं और भगवान बनने की भावना हर एक को रखनी चाहिए और कार्य भी ऐसा करना चाहिए हम भी भगवान बन जाएं। इसलिए कहा भैया कि ये यही वजह है कि जैन धर्म सबको परमात्मा बनने की छूट देता है। क्या करता है जैन धर्म, क्या कहता है? और फिर दिगंबर धर्म, हर एक आदमी में वो शक्ति है, जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि छुपी हुई है उसी प्रकार हमारी आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। और कहा है भैया कि जैन धर्म जब जब जीवों को भगवान बनने की छूट देता है तो हमें क्या चाहिए? हमें भी भगवान बनने की पुरुषार्थ करना चाहिए। हम पुरुष है, पुरुष का नाम इसीलिए पड़ा है, पुरुषार्थ करे वो पुरुष, पुरुषार्थ नहीं करे तो वो पुरुष नहीं है। इसलिए हमें क्या करना? भगवान बनने के लिए उनके रास्ते पर चला। हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं मगर भगवान कैसो नहीं करते, भगवान किया सो करेंगे या तो हम भी भगवान बनेंगे। अगर भगवान ने किया, भगवान महावीर कब कहाँ से बने? सिंह प्रजार से भगवान की परमात्मा को पहचाना, अपनी आत्मा को पहचाना तो भगवान बने। हम भी अपनी आत्मा को पहचाने तो भगवान बनने की पुरुषार्थ कर सकते हैं। कहा भैया सबसे पहले सच्चे भक्त बने तो पहले भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति, भक्त बने बिना भगवान बना नहीं जाता।
जिस आदमी की संगति करेंगे उसका असर आएगा। तो हम भगवान की गुरु की भक्ति करेंगे तो भक्त बनते बनते भगवान बनने की भावना जागृत होगी। लेकिन जैन बनने के बाद सच्चे श्रावक बने, अभी हमें श्रावक भी नहीं है, कोई व्रत धारण किया, दान पूजा करते नहीं, अभी 7 बजे की जगह 9 बजे से यहाँ आते हैं, क्या किस में लगे, इस शरीर की पोषण में लगे हैं, आत्मा की पोषण में नहीं लगे हम। और मनुष्य भाव मिला, जैन कुल मिला तो आत्मा को उन्नति करने के लिए मिला, मगर हमने उसको भोगों में शरीर के पीछे लगा दिया। अक्षय देव सुबह से देखते हैं सर, मैं तो 8 बजे उठता हूँ, क्यों 8 बजे क्यों उठता हूँ, जो 8 बजे उठता है वो राक्षस होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो कहा है भैया श्रावक बने, पहले श्रावक बने और श्रावक बनने के बाद मुनि बनने के भाव जागृत करें। हे भगवान, आपका जैसे अपने पंच परमेश में कितने पद हैं, 5 पद हैं, कौन कौन से, अरण सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। हे भगवान, इन 5 पदों में से अरंत सिद्ध हम नहीं बन सकते अभी, क्यों पंचम काल है, मगर 3 पद तो आचार्य उपाध्याय और साधु, इन में से 3 पद में से कोई भी पद मिल जाए, और नहीं तो 6ला पद साधु पद मिल जाए हमें, और साधु पद नहीं तो फिर अलग सुलग तो मिल जाए, नहीं तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी तो बन जाए। मैं एक के लिए नहीं कहता हूँ, भाइयों के लिए भी कहता हूँ, हमको कोई सा पद पद परमेश्वरी पद में से 1 पद तो जरूर मिल जाए, और वो मिल सकता है अभी पंचम काल में भी, आखिर तक मिल सकता है। ले कहा भैया, और महिला भी कर्म से आरिका बन सकती है, शूलिका बन सकती है, ब्रह्मचारिणी बन सकती है। ले कहा भैया, जिन्हें यह मुनि और आरिका पद मिल जाए तो फिर भगवान बनने की साधना करना उचित है, और नहीं किया तो अपन व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं तो क्या करते हैं, उन्नति चाहते हैं, पद चाहते हैं, ऊंचा तनख्वाह बढ़ानी चाहते हैं, करते हैं ना, नहीं तो रिश्वत दे करके भी आगे प्रमोशन चाहते हैं, और मैंने मनुष्य भव क्या धारण किया तो हमें भी प्रमोशन करना है कि नहीं करना, आगे करेंगे कोशिश करेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तो ऊंचा पद मिल जाएगा, पंच परमेश्वरी में पद में 1 स्थान भी मिल जाएगा, तो हम आत्म कल्याण में लग जाएंगे। भैया कहा है, हम तो पुण्य पुण्य से जैन बन गए, जैन कुल में जन्म ले लिया, कुल का पुण्य था, उसको खो मत, अभी उसको आगे बढ़ाओ। तो कहा है कि अब इस जन्म में ऐसी साधना हो कि आने वाले जन्मों में हम जिनेन्द्र बन जाएं, ऐसी भावना है। नौकरी करने वाला सेठ बनने की कोशिश करता है कि नहीं करता है, हमें भी जैन से जिनेन्द्र बनने की कोशिश करना चाहिए, जैन जिनेन्द्र बन जाए, ऐसी भक्ति करो, और भक्त से भगवान बनने की यह श्रृंखला सतत जारी रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हर एक आदमी कोशिश करता है आखिर वो सफल होता है। एक चींटी दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, तो आखिर में पहुंच जाती है। इसलिए हम भी कोशिश करें, पुरुषार्थ करें, तो जैन का जिनेन्द्र बन सकते हैं भैया। और हमें जैन बनते बनते सालों साल हो गए, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70, किसी के ऐसे साल हो गए, जैन गर्भ जन्म लिया तभी से जैन है, मगर अभी तक तो जैन से आगे जिनेन्द्र नहीं बने। इसलिए क्या करना, सालों साल बीत गए, अब आगे बढ़ने की सोचो, विचार करो, विचार करेंगे, कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो जिनेन्द्र भी बन सकते हैं भैया। और किसी कंपनी में नौकरी करना है तो 2-4 साल बाद प्रमोशन के लिए कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और सब करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार अभी भी सैलरी बढ़ाने के लिए अर्जी लगाता है और प्रमोशन कराता है, ऐसे देखो भैया आप लोग भी क्या हो, आपको सालों साल हो गए जैन कुल में और पूजा करते करते
भगवान की गुरु की भक्ति करते करते किनको कितने साल किन्हीं कितने साल हो गए, पर अभी जिनेंद्र बनने के भाव नहीं देखे, इसलिए ऐसे जैन से जिनेंद्र बनने की कोशिश करना ये सार्थक है। और ये तीन फैक्ट्री लगाओगे तो आप आगे उन्नति पे पढ़ोगे। इसलिए कहा क्या भैया, एक बार अपने भगवान से बोलो, हे प्रभु, गुरु से बोलो, हे प्रभु कब तक हम भक्त बने रहेंगे, भक्त के से भगवान बनना है, हमें क्या बनना है, भगवान से भक्त बनना है, और कम से कम 5 पदों में से 1 पद तो दे ही दो। पर आप चाहते हो क्या, आप चाहते हो तभी मिलने को तैयार है, मैं चाहते कोई नहीं, काम मुंह से बात जरूर करते हैं पर चाहते नहीं हैं। यहाँ का कि एक वर्तमान में आचार्य उपाध्याय और साधु पद, ये तीन तो मिल सकते हैं, मगर हमसे तीन से एक ही सही, एक नहीं तो थूलक एलक ही सही, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सही, और मगर ये पद को लेने को तैयार नहीं है। भैया ले ले मैं तो हमें खुशी हो जाएगी, क्योंकि मेरा मानना है इन पदों में से पाकर हम प्रभु के पद को पा सकते हैं। बिना इन 5 पदों में से 1 पद भी पाकर नहीं पाया तो परमेश्वर परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा बनने के लिए घर में कपड़े पहनते हुए खाते पीते भोगते हुए परमात्मा नहीं बन सकते। इसलिए कहा है भैया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि प्रभु के पद को पाना है, हमें जिनेंद्र बनना है, जैन से जिनेंद्र बनना है, तो रोजाना मंदिर जाकर प्रभु से प्रार्थना करना, हे भगवान आप जैसा बना लो। हम नौकरी पे साहब बनने की कोशिश करते हैं, दुकान पे सेठ बनने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर मंदिर में जाके गुरु के बनने बाद जा कर के, हे भगवान, हे गुरुदेव आप जैसा बना लो, कोई कहता नहीं है, ये कहता महाराज ये दर्द है, मेरी ये तकलीफ है, ये ठीक हो जाए, आप तो पीछे दे दो, मुझे मैं यात्रा जा रहा हूँ, मेरे हो जानी चाहिए, हुक्म चलाता है हमारे ऊपर, और क्या कहता है, हो जानी चाहिए। अरे भाई तुम्हारा पुण्य जैसा तुम्हारे साथ है, हमारा पुण्य हमारे साथ है। इसलिए कहा है प्रभु से, ये 5 पदों में से 1 पद जरूर मांगना, गुरु से भी यही कहना, हे भगवान आप जैसा हमें भी बना लो, यदि आपकी न सुने तो फिर क्या करना, भगवान की मंदिर में जाओ ना, आप अर्जी करो, और नहीं सुने तो फिर गुरु के पास आ जाना, गुरु के पास आकर के निवेदन करना, हे भगवान आपकी अर्जी स्वीकार, भगवान मंदिर में नहीं हुई है पर आप कर लो तो जरूर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। मैंने भी गुरु अजीत सागर जी से अर्जी करी थी तो मुझे देवीलाल से चिन्मय सागर बना दिया। आप भी अर्जी करो तो आपको भी नाम बदल के, ड्रेस बदल के, पता बदल के आप जैसा गुरु जैसा बना देंगे। इसलिए कहा निवेदन करो उनसे, 5वां पद जरूर मांग लो। कैसा पद मांगो, अनंत सिद्ध का नहीं, आप साधु का पद मांग लो, बिना साधु बने अनंत सिद्ध बन सकते नहीं, इसलिए मांगो। तो मैंने मांगा तो सार्थक हो गया, इसलिए आप भी मांगोगे तो आपको भी मिल जाएगा। आप तो संतुष्ट होकर बैठे हो घर में और भोगों में और खाने पीने में, ऐसे संतुष्ट हो बैठे कि उसको सब कुछ मिल गया। अरे भैया आप भक्त बन करके खुश हो, जबकि भक्त बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है, हमको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, दुकानदारी में सेठ बनना है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं उन्नति का शिखर पर चलना चाहते हो। कहा है भैया ये भोगों की गृहस्थ की संतुष्टि छोड़ो और भगवान बनने के लिए दिन रात एक करो, कोशिश करो, अर्जी करो, तो एक दिन आप भी भगवान बन सकते हो, परमा बन सकते हो, जैन से जिनेंद्र बन सकते हो। अतः आप खोपड़ी के उल्टे लगा रखी है, क्या लगा रखी है, भगवान के लिए संतुष्ट बने हो और संसार के लिए असंतुष्ट बने हो, संसार की पूर्ति के लिए, 3 लोगों का धन मिल जाए, सब परिवार सुखी हो जाए, और करना कुछ नहीं चाहते, करना कुछ नहीं चाहते,
इसलिए क्या कहा, मनुष्य भाव सार्थक सब है, जैन कुल सार्थक सब है, कि भक्त से भगवान बनने, जैन से जिनेन्द्र बनने की कोशिश कर लो। तो कहा भैया चाहते हो सुख हो पर दुख के रास्ते चलते हो, हम चाहते सभी सुख चाहते हैं मगर सुख के लिए क्या करना चाहिए वो नहीं करते, दुख के लिए करते हो, इसलिए दुख के रास्ते चलते हो और सुख चाहते हो कि मिलता नहीं है। इसलिए हमें भगवान महावीर की प्रवचन माला आपकी दिशा बदलने को तैयार है, हम ये भगवान की ये पंचायत है, इस पंचायत में गुरु आचार्य उपाध्याय साधु सब है, आप इनके पास आओ और अर्जी करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए क्या करना, इसके लिए पुरुषार्थ करना, एक बार दिशा बदल जाएगी तो दशा बदलते देर नहीं लगेगी, हमें आज जिस अवस्था में हो कल आप भी इस स्थान पे आ सकते हो, आ जाओगे, जाओ क्या होगा, फिर भगवान महावीर स्वामी से अपनी दिशा बदल ली और उनकी दशा बदल गई, जिसे महावीर भगवान ने क्या किया, आदिनाथ भगवान के साथ भरत के लड़के थे, आदिनाथ भगवान के पोते थे, मगर उस समय अहम आ गया, अहम आज अहम क्या करता है, गिराता है, तो उन्होंने एक काल निकल गया पूरा, कौन छठे काल छह काल होते हैं उसमें एक काल पूरा निकल गया और आखिर में चतुर काल के अंत में 3 साल 8.5 महीने बाकी रहे, तब उनको जागृत हुआ और सिंह की पर्याय में वो जागृत हो गए, मुनि का निमित्त मिल गया, आपको निमित्त मिला है, गुरु मिले हैं और समय मिला है तो उसका सार्थक कर लो, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कहा है भगवान महावीर दिशा बदली, दशा बदल गई, हमें भी अभी दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी, हम घर की तरफ से छोड़ना पड़ेगा, भोगों को छोड़ना पड़ेगा, और क्यों इसलिए छोड़ना है कि दशा बदलनी है। इसलिए कहा भैया सरागी से वितराग हो गए भगवान महावीर, सरागी से हम भी सरागी हैं, हमें वितरागी बनना है, तो वितरागी बनने के लिए क्या करना, संगति करना पड़ेगा गुरुओं की और गुरु से अर्जी करनी पड़ेगी। इसलिए कहा हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति इंसान थे, कौन महावीर भगवान इंसान थे, भगवान बन गए, भगवान क्या मान बन गए, भगवान बन गए, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने इसलिए अपने भक्तों को अनुयायियों को भगवान बनने का उपदेश दिया है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ही भगवान बनता अवतार लेता हूँ, हमारे यहाँ जैन धर्म में हर एक आत्मा में परमात्मा छिपा है, हर एक को परमात्मा बनने की शक्ति है, इसलिए आप पुरुषार्थ करेंगे और तो आप भी भगवान बन सकते हैं, बनेंगे, इसलिए आप भी महावीर बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा भैया व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से मान होता है, हमने जन्म लिया मनुष्य हैं, पंचेंद्रिय प्राप्त हो गई है, भोग मिल गए, धन मिल गया, दौलत मिल गई, परिवार मिल गया, इसी में खुश होके बैठे हो, खुश नहीं होना इसमें, अब महान बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। इसलिए साथियों आप सब भगवान महावीर के बारे में सुने ही नहीं, उनके आचरण चुने, जो सा भगवान ने किया वैसा करने को तैयार रहो, वैसा करो, वैसा करोगे तो उनकी जैसा बन जाओगे, और नहीं करोगे घर में भोगों में अटके रहो तो कभी 3 काल में बन सकते नहीं, जैन के जैन से और नीचे गिर जाओगे, जैन से जिनेन्द्र बनना है, हम जो पुरुषार्थ किया था, आचरण किया था, संयम पाला था, इसलिए जैन बने, अब जैन से जिनेन्द्र बनने की कोशिश करेंगे तो हमारा भाव सार्थक होगा, नहीं तो व्यर्थ से चला जाएगा। इसलिए कहा कर्मों को काटने का साधना करें, भगवान कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, कर्म को काटें, कर्म कितने हैं, 8 कर्म हैं, 8 कर्मों के 148 प्रकृतियाँ हैं, इन 148 प्रकृतियों को 8 कर्मों को काटने से जैन का जिनेन्द्र बन सकता है।
हमें सब बात की बुद्धि मिली है, सोचने का दिमाग मिला है, दिमाग में शुगर फैक्ट्री आइस फैक्ट्री लगा लो, ईमान में शुगर फैक्ट्री लगा दो, दिल में लव फैक्ट्री लगा दो, तो आपका परिणाम बदल सकते हैं। और नहीं परिणाम बदले बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए परिणाम को बदलो और जैन से जैन बनने की पुरुषार्थ करो तो आपका जन्म जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। बोलो 1000 श्री महावीर भगवान की।